तो बच्चों आज की कहानी है टोनी चिड़िया और जादुई फूल। टोनी चिड़िया, कालू कौवा और नीली चिड़िया तीन सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ नए रोमांच की खोज में रहते थे। उनके लिए हर दिन एक नया मौका था कुछ नया सीखने और मजा करने का। एक गर्म और सुंदर सुबह, जब सूरज की किरणें बगीचे में चमक रही थी, उन्होंने एक विशेष बगीचा खोजा। बगीचा हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और सुगंधित झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचे में घूमते हुए टोनी ने एक खास फूल देखा। यह फूल सबसे अलग और सुंदर था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी, नीली, गुलाबी और हरी रंगों से भरी हुई थी। फूल की चमक बगीचे की बाकी चीजों से बहुत अलग थी। टोनी ने खुशी से कहा, देखो यह कितना खास फूल है, इसमें जरूर कुछ जादू होगा। फूल ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम सही हो, मैं एक जादुई फूल हूँ। अगर तुम मुझसे तीन मजेदार सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई रहस्य बताऊंगा। लेकिन याद रखना, सवाल मजेदार होने चाहिए। कालू कौवा ने पहला सवाल पूछा, फूल क्या तुम हमें एक मजेदार खेल सिखा सकते हो? फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इस खेल का नाम है फूलों की दौड़। इसमें तुम्हें मेरे चारों ओर दौड़ना होगा और जो सबसे जल्दी लौटेगा वह विजेता होगा। खेल में मजा और हंसी जरूरी है। टोनी, कालू कौवा और नीली चिड़िया ने फूल के चारों ओर दौड़ने का खेल शुरू किया। फूल ने गिनना शुरू किया, 3, 2, 1 शुरू। टोनी चिड़िया ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। कालू कौवा ने अपनी उड़ान से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उड़ान ने उसे जल्दी थका दिया। नीली चिड़िया ने हवा में उड़ते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी जमीन पर दौड़ने में असमर्थ रही। टोनी ने अपनी तेज दौड़ से सभी को पछाड़ दिया और पहले स्थान पर आ गई। कालू और नीली चिड़िया ने उसे बधाई दी, तुमने दौड़ में जीत कर सबको हैरान कर दिया। सभी ने खुशी से तालियां बजाएं और हंसते हुए कहा, मजेदार खेल था। फूल ने हंसते हुए कहा, अब दूसरा सवाल पूछो। नीली चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा, फूल क्या तुम हमें एक मजेदार चुटकुला सुना सकते हो? फूल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, सुनो एक मजेदार चुटकुला। एक बार एक बंदर और एक खरगोश जंगल में चल रहे थे। बंदर ने कहा, मैं बहुत जल्दी दौड़ सकता हूँ। खरगोश ने जवाब दिया, अरे तुम क्या कहते हो, मैं तो बहुत तेज हूँ। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी कि देखते हैं कौन जल्दी दौड़ता है। दोनों ने दौड़ लगाई और अंत में बंदर हंसते हुए बोला, तुम्हारी दौड़ खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। सभी हंसी में झूम उठे और नीली चिड़िया ने कहा, यह बहुत मजेदार था, हम सब हंस पड़े। फूल ने कहा, अब तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल पूछो। कालू कौवा ने उत्सुकता से पूछा, फूल क्या तुम हमें एक जादुई ट्रिक दिखा सकते हो? फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। फूल ने अपनी पंखुड़ियों को हिलाया और बगीचे में एक जादुई चमक फैल गई। सभी फूल अचानक रंग बिरंगे सितारों की तरह चमकने लगे। बगीचा एक जादुई दुनिया में बदल गया। चमकदार प्रकाश ने बगीचे को एक अद्भुत और जादुई जगह बना दिया। टोनी, कालू और नीली चिड़िया ने देखा कि फूलों की पंखुड़ियां रंग बिरंगे मोती की तरह चमक रही थी। बगीचे में हर ओर रंग बिरंगे प्रकाश की लहरें दौड़ रही थी। एक सुंदर संगीत की धुन भी गूंज रही थी, जिससे पूरा वातावरण और भी जादुई लग रहा था। फूल ने कहा, अब तुम्हें मेरा जादुई रहस्य बताऊंगा। अगर तुम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहोगे
और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी जादुई हो जाएगी। दोस्ती से हर दिन को खास बनाओ और हर पल को खुशी से जियो। जब तुम अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताते हो तो जीवन में हर चीज और भी खूबसूरत लगती है। अपने दोस्त को समझो, उसकी मदद करो और साथ में हंसना और खेलना हमेशा याद रखो। फूल ने टोनी, कालू और नीली चिड़िया को छोटे छोटे रंगीन बीज दिए। उसने कहा, इन बीजों को अपने बगीचे में लगाओ। ये बीज जादुई हैं और इन्हें देखना बहुत मजेदार होगा। ये बीज तुम्हारी दोस्ती और खुशी को हमेशा बनाए रखेंगे। टोनी और उसके दोस्त ने बीजों को बगीचे में लगाया। कुछ दिनों बाद बीजों से सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। बगीचा और भी हरा भरा और सुंदर हो गया। उन्होंने फूलों की देखभाल की और उनका आनंद लिया। टोनी, कालू कौवा और नीली चिड़िया ने फूल को धन्यवाद कहा। वे खुशी से खेलते रहे और जादुई बगीचे की चमक में मस्त हो गए। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और जीवन को मजेदार बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दोस्ती में सिर्फ मजा और खेल ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और खुशियों को साझा करना भी महत्वपूर्ण होता है। जब दोस्त साथ होते हैं तो जीवन और भी रंगीन और जादुई हो जाता है। दोस्ती, हंसी और खेल से हर दिन को खास बनाना चाहिए। एक अच्छे दोस्त के साथ बिताया गया समय हमेशा यादगार और जादुई होता है। जीवन को जादुई बनाने के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और एक दूसरे की मदद करते रहो। यही है सच्ची दोस्ती का जादू। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।